स्वागत है नव वर्ष में आप धनु राशि वालों का 2021 ग्रहों के गोचरीय दृष्टिकोण से कैसा जा सकता है आइए इस विषय में विस्तार से जानें धनु राशि वालों जातकों के लिए 2021 काफ़ी बेहतरीन परिणाम लेकर आने जा रहा है मौज करिए पिछला अठारह महीना आपका बहुत खराब गया अब आने वाला अठारह महीना आपके जीवन का बेहतरीन पलों में से एक यादगार बनकर रहने वाला है राहु का वृषभ में आना और केतु का वृश्चिक में आना आपके भाग्य की लॉटरी खोलने जा रही है उच्च शिक्षा से लेकर कैरियर के क्षेत्र तक धनु राशि वालों के लिए 2021 की कुंडली सफलताओं से भरा रहेगा कई बड़े योग नए वर्ष में बनेंगे जो आपके लिए सौभाग्यशाली घटनाओं की सूचना दे रहा है अगर धनु जातकों के कैरियर के क्षेत्र की बात करें तो वर्ष 2021 आपके लिए काफ़ी उम्मीदें लेकर आने वाला है इस साल कार्य क्षेत्र में आपको अपने सहयोगियों का भरपूर सहयोग मिलेगा प्रमोशन मिलेगा और नौकरी के कई मौके आपके पास आने वाले हैं इन मौक़ों का फ़ायदा उठाकर आप अपने कार्य क्षेत्र में मनचाही तरक्की पा सकते हैं व्यूअर्स इसके अलावा इस वर्ष आपको विदेश यात्रा के भी योग आपकी कुंडली में है मन लगाकर मेहनत करें इस वर्ष करियर के क्षेत्र में नई बुलंदियां आप हासिल करेंगे इसके अलावा अगर बात धनु राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति की करें तो 2021 बहुत सकारात्मक अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है पिछले 18 महीना की तुलना में इस पूरे साल शनि धनु राशि के दूसरे भाव में सेकंड हाउस में स्थित होकर होकर ऐसी स्थिति बनाने वाला है जिसके चलते साल भर आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत सशक्त बनी रहेगी व्यूअर्स बीच बीच में कुछ छोटे मोटे खर्चे बेशक होंगे लेकिन अंततः साल आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है धनु राशि फल 2021 के अनुसार आर्थिक मामलों के क्षेत्र में धनु राशि के जातकों के लिए 23 जनवरी जुलाई से सितंबर और अक्टूबर का महीना काफ़ी अच्छा जाने वाला है इस समय आपके पास आमदनी के कई नए अवसर खुलेंगे बिजनेस के नए मौके मिलेंगे नौकरी की नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे में दस तक देंगी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए वर्ष 2021 काफ़ी खुशियों भरा रहेगा क्योंकि इस पूरे साल राहु आपके कुंडली के छठे भाव यानी कि सिक्स हाउस में विराजते रहेंगे जिसके चलते अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना नज़र आएगी इसके अलावा विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले जातकों को भी इस साल विदेश में कई मौके मिलेंगे स्वास्थ्य के लिहाज से भी धनु जातकों का वर्ष 2021 काफ़ी बेहतरीन परिणाम लेकर आने वाला है हालांकि इस साल अचानक से केतु के आपकी राशि के बारहवें भाव ट्वेल्थ हाउस में आने की वजह से कुछ जातकों को छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है लेकिन ये दिक्कतें भी जल्दी दूर हो जाएंगी ज़रूरत है इस वर्ष आप अपने स्वास्थ्य को लेकर पहले से ज़्यादा सजग रहें और जितना हो सके शुद्ध हवा और पानी का सेवन करें इसके अलावा हर क्षेत्र में कैसे जाने वाला है आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं व्यूअर्स यहाँ तक आप धनु राशि वालों के कैरियर का संबंध है मेरी गणना के अनुसार पिछला अठारह महीना बहुत खराब गया था केवल आपका ही नहीं राहु केतु के, के कारण पूरे दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ था अब आने वाला अठारह महीना आप धनु राशि वालों के लिए बहुत उम्मीदें और बहुत सी सफलताएं कैरियर में लेकर आने जा रहा है धनु राशि के जातकों के लिए उम्मीद से ज़्यादा अच्छा जाने वाला है इस साल कार्य क्षेत्र में ना सिर्फ सहयोगी आपका भरपूर साथ देंगे बल्कि आपको आगे बढ़ने के लिए भी भरपूर प्रोत्साहन भी देंगे सहयोगियों से मिलने वाले इस योग से इस साल कार्यक्षेत्र में आपको प्रमोशन प्रोग्रेस देखने को मिलेगा यदि हम कैरियर के लिहाज से जनवरी मई जून अगस्त सितंबर और दिसंबर के महीनों को जाने तो ये सबसे बेहतरीन महीनों में से रहेगा और इसी समय आपका प्रमोशन नई नौकरी और नौकरी में ना इंक्रीमेंट मिलने के पूर्ण संभावना है कार्य क्षेत्र में मन लगाकर मेहनत करते रहिए यह वर्ष बहुत शुभ परिणाम देकर जाएगा मई और अगस्त के महीने में आपका ट्रांसफर होने की भी संभावना है इसके अलावा इस वर्ष के अंत में यानी कि नवंबर के महीने में काम के सिलसिले में आपके विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं धनु जातक इस वर्ष अपने काम में प्रमोशन हासिल करने में भी कामयाब होंगे ये खुशी मई से जून के महीने में मिलने की पूर्ण संभावना है अपने काम के दम पर इस पूरे वर्ष आप अपने विरोधियों पर भी हावी रहेंगे इसके अलावा अगर कोई धनु राशि का जातक बिजनेस के क्षेत्र से जुड़ा है तो यह साल उनके लिए काफी अनुकूल नतीजे लेकर आने वाला है जहां तक आप राशि वालों का व्यूअर्स आर्थिक जीवन का पक्ष है 2021 में तो मैं ये कहूँगा कि काफी अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पूरे वर्ष शनि आपकी राशि के दूसरे भाव में स्थित होकर ऐसी स्थिति बनाने वाला है जिसके चलते साल भर आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत बनी रहेगी आर्थिक मामलों के क्षेत्र में धनु राशि के जातकों के लिए जैसे कि कहा जनवरी जुलाई सितंबर अक्टूबर का महीना काफी बेहतरीन रहेगा इस दौरान आपको अपने आर्थिक जीवन में कई मौके उन्नति करने के मिलेंगे पारिवारिक पहलू के अनुसार भी साल 2021 आप धनु राशि वाले जातकों के लिए काफी परिवर्तन वाला रहेगा कुंडली में शनि की दृष्टि चौथे भाव में होने की वजह से आपको आपके परिवारजनों की जिंदगी में काफ़ी काफ़ी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव प्रभाव फैमिली पर पड़ने वाला है जो पिछला अठारह महीना नहीं पड़ा था हालांकि राशि के बारहवें भाव में केतु की मौजूदगी की वजह से इन सब मुनाफों के बीच आपके कुछ खर्चे भी होते रहेंगे इसके अलावा दिसंबर के महीने में कुछ अधिक खर्चे आपके जेब को हल्का करेगी परेशान होने से बेहतर है खर्चों को सही ढंग से सोच समझ कर करें मोटे तौर पर आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत बहुत अच्छा गोचरीय स्थिति सूचित कर रही है शिक्षा जहाँ तक आप धनु राशि वालों के शिक्षा का संबंध है वर्ष 2021 आपके लिए काफी भाग्यशाली रहने वाला है आपके साल की शुरुआत भी बेहतरीन रहेगी इसके अलावा इस वर्ष राहु पूरे साल आपकी कुंडली के छठे भाव सिक्स हाउस में विराजित रहेगा जिसके चलते अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लेने की सोच रहे हैं तो जरूर इस और बढ़ें सफलता आपको मिलेगी इसके अलावा इस वर्ष शनि के दूसरे भाव में अपनी राशि में बृहस्पति के साथ होने से अगर धनु जातक किसी परीक्षा में हिस्सा लेते हैं तो उसमें भी उसे बहुत सकारात्मक परिणाम अच्छे अंक मिलने की पूरी पूरी संभावना है जो जातक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए जनवरी और अप्रैल सोलह मई और सितंबर का महीना बहुत भाग्यशाली साबित हो सकता है जो धनी धनु जातक विदेश जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं उसके लिए वर्ष 2021 का दिसंबर और सितंबर का महीना बहुत लकी होगा इस वर्ष आप विदेश जाकर अपनी पढ़ाई के सपना पूरा कर सकते हैं साल के अधिकतर समय तो आपको पढ़ाई में अच्छे नतीजे ही मिलेंगे लेकिन इसके विपरीत फरवरी और मार्च के महीने थोड़ा कठिन भी रह सकता है इन महीनों में आपको पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है इस साल एक समय ऐसा भी आ सकता है जब स्वास्थ्य संबंधी किसी परेशानी के चलते आपकी एकाग्रता भंग होने के चांस हैं इससे आपकी पढ़ाई में व्यवधान आने के योग बन रहे हैं इस समय जरूरत है सतर्क रहिए मन लगाकर पढ़ाई करिए पारिवारिक जीवन जहां तक पारिवारिक जीवन का संबंध है आप धनुराशि वालों का 2021 बेहतरीन जाने वाला है इस साल किसी भी तरह के ग्रह क्लेश से आप का घर दूर रहेगा शांत रहेगा शनि की दृष्टि चौथे भाव में होगी जिसकी वजह से घर के सभी सदस्यों पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा घर के लोग मान्यताओं में विश्वास रखेंगे इसके अलावा इस वर्ष धनु जातकों की कुंडली के दूसरे भाव में शनि और बृहस्पति की युति के संयोग भी बनते नजर आ रहे हैं इस साल पुरातन विचारों को मानकर आप अपने घर में सुख संपत्ति दायक कोई काम करवाने का सोच सकते हैं साल भर घर में खुशियों का माहौल रहेगा परिवार में किसी का विवाह या किसी बच्चे का जन्म ढेरों खुशियों लेकर आएगा खासकर जनवरी से लेकर अप्रैल और फिर चार सितंबर से नवंबर के मध्य माता जी के परिवार पक्ष के लोगों से कोई सुदूर यात्रा पर भी जा सकता है आपको भाई बहन का सहयोग मिलेगा साल भर खुशियों का अंबार रहेगा वैवाहिक जीवन एवं संतान की अगर बात करें तो व्यूअर्स आप धनुराशि धनु, धनु वालों के लिए यह वर्ष अच्छा जाने वाला है क्योंकि साल की शुरुआत के बाव अच्छे शुरुआत के बावजूद आपके जीवन साथी स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा परेशान हो सकता है सावधानी बरतें जनवरी महीने के पहले सप्ताह से महीने भर दाम्पत्य जीवन में प्रेम और आकर्षण रहेगा इसके अलावा आपका आपके पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का भी प्लान बन सकता है मार्च के महीने में एक बार फिर आप किसी छोटी यात्रा पर अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं जितना हो सके इस यात्रा का आनंद ले क्योंकि तो यात्रा आपके संबंध को मजबूत बनाने के लिए कारगर साबित होंगी अप्रैल के महीने में आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी उत्पटांग हो सकती है इसलिए सावधान रहें इस चलते अप्रैल और मई का महीना आपके लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है अप्रैल और मई के महीने में मंगल आपकी राशि के सप्तम भाव में रहने वाला है जिसके परिणाम स्वरूप व्यूअर्स इस दौरान आपके जीवन साथी के साथ मनमुटाव गुस्सा लड़ाई झगड़ा विनाशकारी साबित हो सकता है इस वर्ष आपको आपके जीवन साथी का सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी है वहीं दूसरी तरफ आपको आपकी संतान के लिए भी किसी भी तरह का कोई शंका मन में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है वे अपने क्षेत्र में अच्छा करेंगे निश्चित रहें आपकी संतान इस वर्ष काफ़ी अच्छा जीवन व्यतीत करेगी और अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेगी लेकिन जहाँ आपके बच्चे अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे वहीं आपको इस बात पर अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत बनी रहेगी किसी तरह कुसंगति में ना पड़े कुल मिलाकर संतान जीवन पक्ष आपके लिए अच्छा है और उम्मीदें लेकर आ रहा है रही बात व्यूअर्स आप धनु राशि वालों के प्रेम संबंध का प्रेम जीवन का 2021 में प्रेम में पड़े जातकों के लिए वर्ष मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है जहां एक तरफ साल की शुरुआत में आप अपने पार्टनर के लिए काफी ज्यादा भावुक रहने वाले हैं वहीं दूसरी तरफ फेबररी के महीने में आप काफ़ी रोमांटिक महसूस करेंगे इस वर्ष आपको आपके पार्टनर से भरपूर प्यार करने का मौका मिलेगा इसके अलावा अप्रैल और जुलाई और सितंबर के महीने में आपके प्रेम जीवन को नई संजीवनी देगी वहीं दूसरी और फेबर के महीने के बाद जब मार्च आएगा तो एक समय ऐसा भी आएगा जब आपकी आपके प्रियतम से लड़ाई होने की प्रबल संभावना होगी और आपको धैर्य से काम लेना होगा कोशिश करें इस पल को आप प्यार से ही सुलझा लें और बड़ी लड़ाई का रूप न लेने दें स्वास्थ्य जहां तक स्वास्थ्य का संबंध व्यूअर्स स्वास्थ्य के मामले में धनु राशि के जातकों का यह साल 2021 बेहतरीन जाने वाला है हालांकि बीच बीच में कुछ छोटे मोटे कष्ट और परेशानियां से आप बेशक परेशान हो सकते हैं लेकिन ज्यादा गंभीर कष्टकारी नहीं होगा इस साल आपकी राशि के बारहवें भाव में अचानक से केतु के आने की वजह से कुछ लोगों को बुखार फोड़े फुंसी या छोटी मोटी चोट लगने की संभावना है हालांकि गंभीर नहीं होगी इसके अतिरिक्त कुछ लोगों को सर्दी खांसी जुकाम या फेफड़ों से जु, जुड़ी कई परेशानियाँ भी हो सकती है धनु राशिफल के अनुसार दो स्वास्थ्य के लिहाज से आपका बेहतरीन जाने वाला है बस आपको थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है जितना हो सके शुद्ध हवा लें शुद्ध पानी पिए ऐसा करने से काफ़ी अच्छा प्रभाव बढ़ेगा उपाय के तौर पर मैं कहूँगा शनिवार के दिन सरसों के तेल में उड़द के दाल के पकौड़े बनाकर गरीब में बांटना उत्तम रहेगा तीन मुखी रुद्राक्ष मंगलवार के दिन धारण करना लाभदायक रहेगा पुखराज रत्न बृहस्पति वार के दिन धारण करिए सोने की अंगूठी में काफ़ी लाभदायक रहेगा और हर बृहस्पतिवार शनिवार पीपल वृक्ष को छुए बिना उसको जल चढ़ाना और उसकी पूजा करना तो आपको काफ़ी अच्छा फल देखने को मिलेगा ये था व्यूअर्स धनु राशि वालों के लिए 2021 का राशिफल ये गोचर पर आधारित है आपकी जन्मपत्री पर आधारित पूर्ण रूपेण नहीं है लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ गोचर का प्रभाव 50 प्रतिशत बिल्कुल सही निकलता है और 50 प्रतिशत इसका मिलान आपके जन्मपत्री से करना पड़ता है गोचर आपका अच्छा है अठारह महीना खराब था निश्चिंत रहिए एक नई शुरुआत एक नई जिंदगी और एक नई सफलता की ओर आप जा रहे हैं बेहतरीन परिणाम लेकर आने वाला है चैनल सब्सक्राइब करिएगा मुझे कमेंट करिएगा कुछ पूछना हो तो मुझे पूछिएगा समय मिलेगा जरूर जरूर मैं जवाब दूंगा, आप सबका ढेरों बड़ा प्यार स्नेह मिलते रहता है इसी प्रकार स्नेह हमेशा बना के रखिएगा मंगल कामना के साथ सबके लिए अपना ध्यान रखिएगा एक नई वार्ता में जब तक मिलता हूँ आपसे धन्यवाद धन्यवाद